ओम गणेश जय श्री कृष्ण हर हर महादेव ओम नमो नारायणाय या, ओम श्री दामोदराय नमः अगहन माह जो शुरू होने वाला है और बहुत सारी जगह पर अमावस्यांत होता है और बहुत सारी जगह पर पूर्णिमांत होता है तो वो जो तारीख है वो आप अपने हिसाब से आपको पता ही होगा कि कब से शुरू होने वाला है अगहन मास अर्थात मार्ग शीर्ष माह अब यह बहुत ही उत्तम है भगवान की भक्ति हेतु और उसमें कुछ कुछ विधान ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सीधे ही संक्षिप्त में आज मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ इसमें से आप कौन सा नियम या आचरण कर रहे हो वो भी हमारे साथ आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं सबसे पहला जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि पूरे अगहन माह में जब भी आप पूजा पाठ आदि करें तो घंटा मा वाद्यमय अर्थात तो जो घंटी है पूजा में और उसमें भी घंटी के विषय में मैंने वीडियो बनाया था बहुत ही विस्तार से कि शास्त्रों में घंटी किस प्रकार की होनी चाहिए पूजा में जो मंदिर में रखते हैं वो घंटी या घंटा नाथ कैसे होना चाहिए तो जैसे घर के लिए घंटी की बात है तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो घंटे के ऊपर गरु गरुड़ राजमान है गरुड़ घंटी जो होती है गरुड़ जिसके ऊपर स्थित है स्थिर है तो अगर कोई उस घंटी को मेरी पूजा में पूरे अगहन माह में बजाता है शंख ध्वनि करता है शंख बजाता है तो उसके सभी पापों का मैं विनाश करता हूं और तत्काल ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य गरुड़ की पीठों पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं अर्थात गरुड़ के ऊपर बैठे हुए जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है उनकी जो पूजा करते हैं अगहन माह में वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो कोई मनुष्य मेरे अर्थात मेरे किसी भी स्वरूप अर्थात विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के सामने कीर्तन करता है या नृत्य करता है भजन करता है या विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है उसके पितरों का उद्धार हो जाता है और जैसे मैंने शुरुआत में कहा जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती पूजा स्नान और चंदन का लेपन करते हुए मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले सौ सौ चांद्रायण से प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त होता है अर्थात जैसे विधान है ना जब भी आप आरती करो तो नाद हम करते हैं जब भी भगवान की पूजा करते हो तो पूजा में किसी किसी जगह पर घंटानाथ किया जाता है जब भी भगवान के सामने धूप हम प्रज्वलित करके अर्पण करें तब घंटा नाद किया जाता है भगवान उस समय की बात करते हैं वैसे है वैसे ही जो कोई भी मनुष्य अगहन माह में तुलसी की काष्ठ का तुलसी की जो काष्ट होती है उससे घिसा हुआ जो चंदन उसका निकलता है उससे जो भगवान विष्णु को तिलक करता है तो उसके सौ जन्मों के पातकों का भगवान स्वयं साक्षात नष्ट करते हैं भस्मीभूत कर देते हैं अगर तुलसी से भगवान को टीका लगाया जाए चंदन में का तो जो कोई मनुष्य मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह में मुझे तुलसी काष्ट का चंदन देते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं जो कोई भी मनुष्य इस अगहन माह में चंदन शंख में रख कर थोड़ा सा जल रख कर और उसी चंदन युक्त जल से मेरे ऊपर अभिषेक करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ और इस विषय पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है जो कोई भी मनुष्य अगहन में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है उसको भी मैं मनोवांचित फल देता हूँ अर्थात मनोकामना उसकी मैं पूर्ण करता हूँ उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सुगंधित पुष्प है भृंगराज है तुलसी का पत्ता है तुलसी की मंजरिया है केतकी की पुष्प आदि है वो मुझे समर्पित करते हैं उससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ इस मार्गशीर्ष अगहन माह में वैसे ही कोई भी मनुष्य अगर पितरों की मुक्ति करना चाहता है इसी मार्क्शिक्ष माह में अपने अपने इष्ट देवता या फिर मेरे ही स्वरूप को सर्वस्व मान के बिलवा पत्र शमी पत्र भृंगराज पत्र और आमल की पत्र ये मेरे पूजन में प्रयोग करते हैं तो उसके सभी पितरों का मोक्ष हो जाता है और उसकी सभी प्रकार से मैं मनोकामनाओं को सिद्ध करता हूं उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य मुझे अगहन माह में पुष्पदल सुगंधित पुष्पदल कमल पुष्प आदि अर्पण करते हैं आवाहन मेरा करके या मेरे किसी भी स्वरूप को तो उस पर मैं प्रसन्न होकर अपनी उसको भक्ति प्रदान करता हूं उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य इस अगहन माह में यह ध्यान से सुनिएगा तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है जो कोई भी मनुष्य इस अगहन माह में जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करते हैं वह निवास स्थान श्वेत दीप में आनंद का अनुभव करता है अर्थात तो कोई भी मनुष्य जैसे मैंने कहा था कि आप पिछले कुछ समय पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कि तुलसी का पत्ता भी तुलसी का पूरा पौधा या उसका गमला भी विष्णु भगवान के बाजू में रखकर आप पूजा पाठ करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा जरूरी नहीं है कि हर बार तुलसी का पत्ता तोड़ के आप भगवान को समर्पित करें क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य मेरे सामने धूप करता है उसमें से उसमें भी अगरू से बना हुआ कोई धूप करता है मेरे मंदिर को सुवासित करता है वह नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है जो कोई भी मनुष्य का करता है उसमें भी शक्कर मिलाकर मुझे धूप देता है उसकी सभी अभिलाषाओं को मैं पूर्ण करता हूँ जो कोई भी मनुष्य जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जो कोई भी मनुष्य भगवान को प्रिय हो ऐसा कोई धूप करता है जिसको दशांग धूप भी कहते हैं पंचांग धुप भी है अष्टांग धुप भी है अगर इन शॉर्ट में कहे तो अभी तो सारे धुप मिलते ही है जो कोई भी मनुष्य पूरा अगहन महीना भगवान विष्णु के आगे धूप प्रज्वलित करता है तो भगवान उसकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं उसके पश्चात क्या है कि भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस पूरे अगहन माह में या तो सुबह या तो सायंकाल को मेरी आरती करता है उसको कोटि कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में मैं निवास करवाता हूँ उसके किए हुए सभी पापों का मैं विनाश कर देता हूँ और साथ में ये भी लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य भक्ति पूर्वक कपूर की मेरी आरती करता है कर्पूर से मेरी आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है जो मंत्रहीन क्रियाहीन मेरा पूजन किया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है जो मार्गशी में कपूर में दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है अर्थात जो कोई भी मनुष्य पूरे अगहन माह में कर्पूर की आरती करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और ये पूरे अगहन माह का महात्म्य है और अवश्य ही बहुत ही ऐसे उपाय है जो करने लायक है और अगर आपने एक इस वीडियो के अंत में श्रवण किया हो भगवान क्या कहते हैं पूरे अगहन माह में मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन भी अगर आपने कुछ किया है कोई दोष भी हुआ है तो अगर पूरे अगहन माह अगहन माह में आप भगवान की आरती उतारोगे ना तो वो भी भगवान स्वीकार करते वो सभी दोषों से भगवान सबको मुक्त करते हैं तो ये था अगहन माह का और एक विशेष वीडियो और विषय अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा और हाँ इसमें से आप कौन सा उपाय करते हो अवश्य हमें बता सकते हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं बहुत जल्द मिलते हैं इसी अगहन माह से जुड़े हुए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही संक्षिप्त एक और विषय वीडियो के साथ देखते रहिए कर्मकांड भाई आनंद पाठक मेरे साथ ओम गणेश हर हर महादेव ओम नमो नारायणाय